कैप्टन कैप्टन आप इस स्पीच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लगता है इस स्पीच में अच्छा मिलेगा, काफी रोडिंग किया है इन लोगों ने लगातार 3 दिन से ये ट्रिप के लिए। चलिए अब टॉस के लिए आते हैं। कांग्रेट्स। वैसे हम बैटिंग करने ही वाले थे क्योंकि फाइनल मैच है तो प्रेशर देना नहीं चाहते। बेस्ट ऑफ लक। उकाई ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाउ इट्स टाइम फॉर लोकल कैप्टन फॉर पिच रिपोर्ट। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर बी ए पटेल टू हैव सम चैट विद अस। बी ए, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडेज मैच। आप इस पिच के बारे में क्या क्या कहो? सर पिच तो हमारा होम ग्राउंड है तो पिच तो हमने ही बनाई है, हम ही क्यूरेटर है पिच के। तो पिच ऐसे ही बनी है कि सेकंड बैटिंग में अच्छी रहे, तो वी आर फॉर्चुनेट कि हमने अच्छा टॉस लूज किया है, इससे बेनिफिट मिलेगा और हम मैच जीतेंगे। तो यानी आप जो चाहते थे वही हुआ, एनके ने भी टॉस जीतकर वही किया जो आप चाहते थे। नहीं पढ़ा बोपुर, मतलब दोनों टीमों ने जो चाहता था वो मिला, उनको चाहता बैटिंग बैटिंग मिली, हमको चाहिए था बॉलिंग बॉलिंग मिली। सही है। All the best for today's match. चुगो भाई, वो पंगा था क्या नाम है?
किरण भाई ओपनिंग कौन करता है साइड ऊपर Me, guys. Thank you.
ત્યાર પછી રાષ્ટ્રગાનના માનમાં દરેક ગ્રાઉન્ડ ઉપર ઉપસ્થિત મહાનુભાવોને વિનંતી કે પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ જાય અને સાવધાન મુદ્રામાં ઊભા રહે જેથી આપણે રાષ્ટ્રગાન શરૂ કરી શકીએ। ટૂંક જ સમયમાં મેચ સ્ટાર્ટ થશે। મોડાથી આવેલા પ્રેક્ષકોને બતાવી દઉં કે ઉકાઈએ ટોસ જીતી અને પહેલા બેટિંગ કરવાનું નક્કી કર્યું છે। ઉકાઈ પોતાનો એક ખેલાડી પેવેલિયન બોક્સમાં સ્કોરિંગ માટે મોકલી આપે। બોક્સ પર આવે ઉકાઈને કેપ્ટનને વિનંતી કે જો મારા કેમેરા કાઢ નાખજો ખડો।
दोनों बल्लेबाज काफी क्विक रनिंग द बिटवीन विकेट्स। राहुल जी ऊपर आए मजा आ रहा बातों करता करता। एक बार फिर से एचबी अपने रनर्स पे इस बार एचबी का सामना करेंगे टीयू। सीधी गेम थी, खेलना चाहते थे, प्ले करना चाहते थे, गेम को एच लगी और सीधी विकेटों पे। इसी के साथ उभय की पहली विकेट का पति टीम में एक ज्यादा एनर्जी की लहर एचपी को दूसरे गेम में मिलती हुई पहली सफलता। खुद कप्तान पारी को संभालने के लिए उगई के अफ्तान एन के पटेल एन के सामना करेंगे एचपी राठौड़ का। बंगाल सेंटर समझे अच्छी गेम सम्मान देते हुए एन के पटेल एच बी राठौड़ मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर। लेग साइड पे गेंद हल्के हाथों से फ्लिक किया और एक रन चुरा लिया एन के ने। स्कोर बढ़ता हुआ दो रन। बढ़िया ड्राइव, कोई मौका नहीं वहां पर फील्डर के पास, ये जिमा रेखा के पास जाती हुई पहली बाउंड्री यहां पर उकाई के बल्लेबाज के द्वारा। पीआर पटेल का पहला समसमाता चौका। दिली एचबी राठौड़ गेंदबाजी का पास संभाला है आरपी चौधरी ने। आरपी चौधरी का सामना करेंगे एनके पटेल। कट कर दिया वहां पर पॉइंट की दिशा, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई चार रन। आउटफील्ड काफी तेज, कोई मौका नहीं रहेगा वहां पर फील्डर के पास, बैट्समैन को सिर्फ गैप ढूंढना है। फाइन को अंदर लाया गया और एक डिप कवर लिया यहां पर कप्तान ने आरपी चौधरी के लिए।
तेरा सीधा फील्डर क्या तो जाती हुई गेंद। कप्तान कप्तान को फील्डिंग की प्रैक्टिस कराते हुए बेहतरीन फील्डिंग बीए पटेल की। वहां पर अपील देखना होगा अंपायर का इशारा लगा दिया अंपायर ने। उत्साह ज्यादा विश्वास कम। कट करना चाहते थे पूरी तरह से पीट हुए। काफी तेज गेंद इस बार आरपी चौधरी के द्वारा। बेहतरीन गेंद थी। फिर से कट करना चाहते फिर से पीट हुए। थोड़ी सी नीची रह गई है। आरपी लेंथ और स्पीड से वेरिएशन करते हुए एंड को कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार कट किया लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में जाती हुई गेंद। कोई मौका नहीं लगातार डॉट बॉल डालते हुए यहाँ पार्टी चौधरी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 10 रन एक विकेट के नुकसान पर रुका है टीपीएस। अपने कोटे का दूसरा ओवर स्ट्राइक पर प्रतीक। पिछली बार जैसे टीम चौधरी आउट हुए थे उसी तरह प्रतीक भी आउट हुए। बल्ले का अंदर किनारा सीधा विकेट पे जाती हुई गेंद। दूसरी सफलता मिलती हुई यहाँ पर एचबी राठौड़ को और डब्ल्यू डिविलियर्स को। एचबी दूसरी ओवर में कट एंड बोर्ड दूसरी विकेट लेते हुए दोनों ओपनर को पैवेलियन भेजा वापस। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं हरदेव। हरदेव नए बल्लेबाज सामना करेंगे इन फॉर्म बॉलर एचबी राठौड़ का। काफी बाहर गए। बढ़िया प्लेसमेंट लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। कोई मौका नहीं रन लेने का।
धीरे धीरे फेराओ तू व्यवस्थित तू चौक कर बहुत हो रहा है बढ़िया गेंद बार बार बचे वहां पर एम एन पटेल तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर उकाई टीपीएस अपने कोर्ट का दूसरा ओवर लेकर आते हुए इस बार खेल दिया है विकेट की दिशा में कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं 4 रन काफी तेज आउटफील्ड जिसका फायदा उठा रहे वहां पर हरदेव हरदेव के बैट से लगने वाला ये पहला चौका विकेट के नुकसान पर उकाई टीपीएस बाजी में तब्दीली अभी गेंदबाजी करेंगे वणागोरी के एक और अनुभवी तेज तर्रार गेंदबाज जयदीप गेरवाड़ा अब गेंदबाजी के लिए आए जयदीप करना चाहते थे लेकिन ठीक से बल्ले पे नहीं आई गेंद सीधा धवल उपाध्याय के हाथों में जाती हुई गेंद कोई रन नहीं वहां पर बढ़िया गेंदबाजी अगेन
विकेट से काफी उछाल मिलता हुआ यहाँ पर गेंदबाज को। जाती हुई गेंद शायद टच हुआ था वहां पर बैट्समैन को। उतनी ही बढ़िया कीपिंग वहां पर वीएम पटेल के द्वारा। मौका नहीं दे रहे वहां पर हरदेव को कोई रन लेने का। विकेट टू विकेट गेंदबाजी, अगर मारेंगे तभी सीधा फील्डर के हाथों में जाती है गेंद। अच्छी गेंदबाजी अभी तक जयदीप के द्वारा। इस बार काफी तेज गेंद और पीछे से काफी उछाल मिली वहां पर विकेट कीपर भी चुके और वाइड के रूप में 4 रन मिले वहां पर UKTPS को। अगर यही गेंद सीधी रहती तो काफी मुश्किलें पैदा कर सकती थी वहां पर हरदेव के लिए। बढ़िया गेंद, काफी तेज गेंद, पूरी तरह से बीट हुए वहां पर हरदेव। इस बार प्रेस किया वहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट लेकिन रन लेने में कामयाब। इसे 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर UKTPS। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर, 8 ओवर लेकर आए हैं नमन कप्तान ने भरोसा दिखाया वहां पर नमन राठौड़ के ऊपर। नमन के लिए 2 फील्डर माउंड पे रखे गए हैं, थर्ड मैन और डिप्टोर। बढ़िया फील्डिंग वहां पर आरपी चौधरी, काफी चुस्त फील्डर, कोई मौका नहीं वहां पर रन लेने का। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। कट करना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए वहां पर एमएन। Thank you.
चालू है। बढ़िया गेंदबाजी नमन राठौड़ के द्वारा। और लेकर यार फेवर लगातार डॉट बॉल डालते हुए यहां पर नमन राठौड़। विकेट टू विकेट गेंदबाजी, कोई मौका नहीं वहां पर बैट्समैन के पास रन लेने का। फिर से डॉट बॉल, हवा में के थोड़े से दूर रही वहां पर फॉलो थ्रू में नमन के हाथों में हाथों से। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 28 रन। बढ़िया गेंदबाजी नमन के द्वारा, केवल 1 रन इस ओवर से। पहले पावर प्ले की समाप्ति। रन बनाए यहां पर उकाई ने पावर प्ले के दरमियान, जिनमें वड़क गोरी ने 3 विकेट भी चटकाए है। अरे मनु मैं बोले था फोन है इसलिए यार, इतना तो मुझे लगा गेंदबाजी के लिए आएंगे जयदीप अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। स्ट्राइक पर हरदेव, यहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए। अध्यापक ने शायद नेक्स्ट टाइम के बाहर
थी ये गेम। खेल दिया है पॉइंट लेग की दिशा में, फील्डर उसके पीछे, बढ़िया फील्डिंग वहां पर आकाश देसाई, काफी चुस्त फील्डर। लेकिन उतनी ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट बैट्समैन के द्वारा, 3 रन चुराए अपनी टीम के लिए। खेल दिया वहां पर मिड विकेट की दिशा में आकाश देसाई, जब तक फील्ड करे 2 रन पूरे किए वहां पर बैट्समैन ने। और की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर उकाई टीपीएस। सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर TPS।
पत्थर किया तो सिकेला वहां पर फील्डर आरपी चौधरी मौजूद, कोई मौका नहीं लेने का, काफी किफायती गेंदबाज एम एन राठौर कोई मौका नहीं दे रहे वहां पर बैट्समैन को रन लेने का। अच्छी दिशा में गेंदबाजी करते हुए इस बार खेल दिया वहां पर फील्डर मौजूद बी ए पटेल, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। काफी प्रेक्षक इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए आया है, स्टेडियम पूरा भरा हुआ है यहाँ पर, काफी तेज गेंद पूरी तरह से बीट हुए वहां पर मैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर उकाई टीपीएस। रनों की रफ्तार थोड़ी सी धीमी होती हुई यहाँ पर, सामना करेंगे हरदेव। हरदेव के लिए एक्स्ट्रा विकेट लगाया है वहां पर कप्तान ने। प्लेसमेंट किया, एक रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते मना कर दिया वहां पर एमएल ने। एफिशिएंसी डिपार्टमेंट हमारा कमेंट्री क्या भागी गया क्या जाओ विकेट ला विकेट। अगर जील गोसाई विकेट लेते हैं तो एनसी शाह की ओर से 501 रुपए का इनाम यहां पर घोषित किया जाता है। विकेट पड़ी है तो मजा आओ काफी तेज शॉट यहाँ पर, फील्डर काफी दूर, 4 रन कवर के ऊपर से करा चौका यहाँ पर एमएल पटेल के द्वारा। बोला ही मारा मारा बड़ा सॉरी हवा में गेंद वहां पर आरपी चौधरी के ऊपर से जाते हुए 6 रन वो लगाया नहीं यार।
बैक टू बैक ये दूसरी बाउंड्री इस बार 6 रन। एमएन पटेल आक्रामक तेवर अपनाते हुए यहां पर वापसी करते हुए यहाँ पर दिल को जाए ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर उगाई डीपीएस 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर उगाई डीपीएस एक साझेदारी बनती हुई यहाँ पर हरदेव और एवेन पटेल के बीच में कप्तान बी ए पटेल चाहेंगे जल्द से जल्द इस साझेदारी को तोड़ा जाए सत श्री अकाल बाजी कैसा है अरे वाह तो। अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर है स्ट्राइक पर हरदेव एक शॉट की गेंद और पुल कर दिया वहां पर फील्डर के हाथों में जाते हुए जीत गोसाई वहां पर मौजूद एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर हरदेव को एमएन वर्सेस एमएन नमन बड़ी टुकड़ों काफी धीमी गेंद शॉर्ट पिच गेंद लेकिन स्पीड में वेरिएशन करते वहां पर नमन समझ नहीं पाए वहां पर बैट्समैन और शॉट पे जाता पेस हो गई है सीधा बॉडी पे जाके लगी गेंद वो मस्त कह रहे हो हां मस्त मस्त हां बराबर इस बार कट करना चाहते थे लेकिन काफी तेज गेंद स्पीड में वेरिएशन करते वहां पर नमन बैट्समैन समझ नहीं पा रहे हैं ऑर्डर आवे એટલે આવે और लगातार डॉट पर जाते वहां पर एमएन लगातार डॉट गेंद वहां पर नमन काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए दबाव में रखा है वहां पर एनएम पटेल को कोई मौका नहीं दिया है उनके खिलाफ रन लेने का वहां पर एनएम पटेल को इस बार स्ट्रेट खेल दिया वहां पर फील्डर मौजूद एचपी राठौर केवल एक ही रन मिलेगा वहां पर बैट्समैन को तब 50 तैयार इसी के साथ 50 रन पूरे हुए यहां पर उकाई टीपीएस के एंड के रन आउट थी
इस बार हर क्या तो से खेल दिया वहां पर हर देव एक रन के लिए इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर कुकाई डिफेंस बाकी के 10 ओवर में बिग ब्रेक यहां पर साई कैप्टन के सामना करेंगे हरदेव राइट गेंद हल्के हाथों से खेल दिया ओवर में विकेट की दिशा में एक रन पूरा किया वहां पर फील्डर एचवी राठौर मौजूद वो रिस्क नहीं लेंगे दूसरा रन लेने का वहां पर बैट्समैन इस बार उठाना उठा के मारना चाहते थे वहां पर हमें लेकिन ठीक से बल्ले पे नहीं आई गए एक रन फुल टॉस गेंद वहां पर खेल दिया है जयदीप फील्डर वहां पर
लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को। चार रन, खराब गेंद और मौके का फायदा उठाया वहां पर हरदेव ने। તમને શોખ છે તાપમાં બેહવાનો? શું કરો, ઉભા થઈને આયા બધા? हाथों में से रन चुरा लिया वहां पर हरदेव ने, हल्के हाथों से खेला था। जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक एक रन पूरा किया। विपुल ने फोन करो तो पहला तो मैंने एक बार जवाब दियो। दोनों ही बैट्समैन स्पिनर को काफी अच्छी तरह से खेलते हैं, बड़े आराम से रन चुरा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं वहां पर रन लेने की। और की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 60 रन 6-0, 3 विकेट के नुकसान पर उकाई टीपीएस। एक अच्छी साझेदारी बनती हुई यहां पर दोनों ही बैट्समैन के बीच में, जिनकी जरूरत थी यहां पर उकाई टीपीएस को, उस पर काम करते हुए यही दोनों बैट्समैन। नमन गेंदबाजी कंटिन्यू करते हुए यहां पर स्ट्राइक पर हरदेव। सबसे किफायती गेंदबाज नमन हवा में गेंद, लेकिन कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था। एक रन। नमन काफी अच्छा गेंदबाज में स्पीड वेरिएशन करते हैं। एमएन बॉटर को पकड़ के रखा है, कोई मौका नहीं दिया रन लेने का। नमन वर्सेस एमएन, इस बार दिशा चुके नेशनल के काफी बाहर, गेंद कीपर भी चुके, अंपायर का इशारा वाइड, अतिरिक्त के रूप में ये रन जाते हुए। ये अतिरिक्त रन काफी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इस बार कट किया वहां पर फील्डर, लेकिन काफी तेज रनिंग वहां पर हरदेव की। एक रन चुरा लिया वहां पर। स्पीड वेरिएशन धीमी डाली हुई गेंद, ठीक से बॉल में नहीं आया। मारो मारो खेला हुआ वहां पर एचबी राठौर देसाई, लेकिन 2 रन चुरा लिया वहां पर। काफी तेज और ये ओवर थोड़े से बेस फील्डिंग वहां पर बैकअप में एक और रन मिलता हुआ बैट्समैन को। वहां पर 3 रन मिले एक रन की जगह पर।
પડે ને અત્યારે 3 વિકેટ પડી ગઈ છે. કટ કર દિયા વહાં પર ફિલ્ડર મોજૂદ 1 રન. મારો મારો ફિર સહેલ ક્યાં તો છે ખેલા લેકિન ઇસ બાર ભી દો રન લેને મેં કામયાબ. ओवर की समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 73 रन 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर उकाई टीपीएस. अच्छा ओवर उकाई के लिए ये 13 रन आए इस ओवर से. विकेट की तलाश में यहाँ पर डबल डीपीएस एक अच्छी साझेदारी बनती हुई यहाँ पर दोनों बैट्समैनों के बीच में. ठाके मारना चाहते थे पूरी तरह से बीट हुए. बहुत ही अच्छी कीपिंग वहां पर नियम पटेल के द्वारा. काफी तेज गेंद थी. કામયાબ રહે વહા પર એનએમ પટેલ. अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही छोर गेंदबाजी करें बाकी सब काम बैट्समैन खुद करेंगे. इस बार खेल दिया है पॉइंट की दिशा में वहां पर फील्डर वीरी उपाध्याय मौजूद 1 रन.
बढ़ता हुआ यहाँ पर रोका है टीपीएस का। अगर इसी स्ट्राइक रेट से रन बढ़ाते हैं तो आई थिंक 125 रन तक आसानी से पहुंच जाएंगे। काफी अच्छी ड्राइव लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में जाती हुई गेंद। एक रन पूरा किया वहां पर दो रन भी पूरा करेंगे, थोड़ी सी मिसफील्डिंग और दूसरा रन चुरा लिया वहां पर हरदेव ने। काफी तेज दौड़ते हैं हरदेव। ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर उकाई टीपीएस। अच्छी साझेदारी यहां पर उकाई टीपीएस के बल्लेबाजों के द्वारा, 62 रन की साझेदारी बनती हुई इन दोनों ही बैट्समैनों के बीच में। काफी तेज गेंद लेकिन हर क्या तो उसे खेल दिया वहां पर। एक रन पूरा किया, थोड़ी सी हड़बड़ाहट। काफी समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बैट्समैन खराब गेंद को बाउंड्री में तब्दील कर रहे हैं और अच्छी गेंद पे सिंगल डबल, बढ़िया स्ट्रेटेजी। हवा में गेंद, काफी तेज शॉट देखना होगा वहां पर। सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद, लंबा छक्का एमएन पटेल के द्वारा। ओवर पिच गेंद और मौके का फायदा उठाया वहां पर एमएन पटेल ने। पहले ही भाग लिया था वहां पर, गेंद थोड़ी सी धीमी आ रही है, इंतजार किया और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इस बार तेज गेंद और बीट हुए वहां पर। फिर से और पिच गेंद लेकिन इस बार ठीक से बल्ले पे नहीं आएंगे एक रन के लिए। आरपी चौधरी जिसके लिए जाने जाते हैं उस तरह की गेंदबाजी करनी होगी उन्हें। लाइन और लेंथ दोनों पे ध्यान देना होगा उनको। बढ़िया अपनी लय वापिस हासिल करते हुए लेकिन अब तक ओवर खत्म हो चुका है। 14 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 91 रन 3 विकेट के नुकसान पर उकाई टीपीएस।
रनों की रफ्तार यहां पर थोड़ी सी बढ़ती हुई। कप्तान ने खुद बार संभाला है इस साझेदारी को तोड़ने का। गेंदबाजी के लिए आएंगे कप्तान भाविन पटेल। के लिए इस साझेदारी को तोड़ने के लिए देखना होगा कर पाते या नहीं। एक्स्ट्रा कवर रखा है वहां पर। तीन कवर भी है। लॉन्ग ऑन फुल टेस्ट स्ट्रेट खेल दिया वहां पर। फील्डर मौजूद, केवल एक रन मिलेगा वहां पर। काफी चुस्त फील्डर। ऑफ साइड में मिडिल में होता मार गोल। ऑफ साइड में मार गोल। सीके पटेल डबल पॉइंट की जगह पर फील्डिंग के लिए आए हैं। काफी अच्छी गेंद उठा के खेलना चाहते थे हरदेव, लेकिन पूरी तरह से पीट हुए। रूम लेके मारना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी वहां पर भाविन के द्वारा। चली पास गई वाली बराबर। इस बार काफी तेज शॉट, थोड़ा सा गेंदबाज के हाथों के छूके निकल गई गेंद एक रन के लिए। आवास बरोड़ा से। इस बार खेल दिया वहां पर मिड विकेट की दिशा में आकाश देसाई वहां पर, लेकिन मिसफील्डिंग और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। चार रन। Yeah.
મિડલ માં બોલાતા ના કઈ પણ એમના યસ પંખાની જરૂર નહીં યાર પેલી બાજુ જોશો તો પંખાની જરૂર પડશે इस बार रिवर्स शिफ्ट कर दिया वहां पर गेंद सी मारे का के पास जाती हुई काफी तेज आउट पे कोई मौका नहीं वहां पर फील्डर के पास रोकने का लेकिन उसके बाद इन दोनों ही बैट्समैन हरदेव और अहमद पटेल ने इस पारी को संभाला है। गेंदबाजी के लिए जयदीप गई काफी तेज शॉट लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद नमन चलो मारो मारो विकेट पाड़ो आक्रमक तेवर यहाँ पर दिखाते हुए दोनों बैट्समैन इस बार खेल दिया वहां पर फील्डर आरपी चौधरी मौजूद एक रन के लिए वहां पर रन आउट का खतरा और देखना होगा रन आउट अच्छा थ्रो वहां पर बीएफ के द्वारा साझेदारी यहाँ पर टूटती हुई अहमद पटेल जल्दबाजी में रन लेना चाहते थे मना किया वहां पर हरदेव ने और किस्मत ब्रैक में विकेट गवाता हुआ चौथा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर होगा डीपीएस का अहमद पटेल 36 रन बनाकर अच्छी पारी खेलकर अपनी टीम के लिए पेवलियन वापस लौटते हुए
लगातार दूसरा छक्का ये तो ग्राउंड के बाहर चली गई है। सबसे लंबा छक्का परिबल के बल्ले से आता हुआ अंदर जा बेकार रही क्या टीम मीटिंग रही है। वे धीरे धीरे विकेट ना पड़े। परिमल के द्वारा ओवर की समाप्ति 16 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 117 रन 4 विकेट के नुकसान पर रुका टीपीएस। गेंदबाजी करने के लिए सबसे अनुभवी सीनियर बॉलर एच वी राठौड़ स्ट्राइक पर परिमल उठा के खेला है। वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं 6 रन के लिए। फिर से माना जाता है लेकिन इस बार ठीक से बल्ले पर नहीं आई है। 1 रन ठीक
पूरी तरह से पीट हुए, काफी तेज गेंद, गुड लेग पे डाली हुई गेंद, हरदेव आगे आके मारना चाहते थे लेकिन गेंद में उछाल और बीट हुए। इस बार स्लोअर गेंद और एक रन पूरा किया वहां पर बैट्समैन ने। ओवर की समाप्ति 17 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 127 रन 4 विकेट के नुकसान पर कुकाई टीपीएस। गेंदबाजी के लिए आए हैं कप्तान भाविन पटेल, स्ट्राइक पर हरदेव। हरदेव 47 नाबाद खेल रहे हैं अभी, केवल 3 रन दूर अपने 50 से। इस बार और फिर गेंद कह दिया वहां पर कवर के सामने। बंदा कौन मस्त आ रहा है कप्तान को हरदेव ने अपनी टीम के लिए 55 रन बनाया, 48 गेंदों का सामना किया जिनमें 7 चौके भी शामिल। बल्लेबाजी के लिए आए हैं पत्रेश, मित्ता संजो खान, गेंद वहां पर फील्डर आकाश देसाई, एक रन। अब स्ट्राइक पर आए हैं परिमल पटेल, 6 गेंदों में 21 रन बना के खेल रहे हैं, 3 छक्के। इस बार पूरी तरह से चूके, हर गेंद में वो छक्का मारना चाहते हैं लेकिन वहां पर उतनी समझदारी के साथ गेंदबाजी करते हुए कप्तान। इस बार 6 रन, चौथा छक्का यहां पर परिमल के बल्ले से आता हुआ। 18 ओवर की समाप्ति, स्कोर पर
કઠોળ કે સામના કરીને ભદ્રેશ स्लोअर गेंद पूरी तरह से बीट हुए वहां पर भद्रेश इसी के साथ ओवर की समाप्ति 19 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचाए 145 रन 6 विकेट के नुकसान पर रुका टीपीएस आखिरी 6 गेंद इस इनिंग की देखना होगा कप्तान किसे गेंदबाजी के लिए बुलाते हैं शायद आरपी चौधरी आएंगे निश्चित रूप से आरपी चौधरी आए हैं गेंदबाजी के लिए बाकी है तो एक बॉल भी सिंगल ले ले टाइम नहीं यार ये आर पी चौधरी के अभी गेंद स्ट्राइक पर पीजी उठा के खेल दिया वहां पर फील्डर आकाश देसाई अच्छी फील्डिंग वहां पर तीन रन लेने में कामयाब इस बार कट कर दिया काफी तेज शॉट वहां पर फील्डर आकाश देसाई अच्छी फील्डिंग गिर गया लेकिन गेंद को रोक लिया वहां पर गुड लेंथ पे डालनी चाहिए यहाँ पर आरपी चौधरी को गेंद फिर से और पिच और 6 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद शायद विकेट लेना चाहते हैं यहाँ पर आरपी चौधरी के साथ इनिंग की समाप्ति उकाई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100
63 रन का स्कोर पहुंचा है और नागपुरी को जीतने के लिए 164 रन बनाने हो गए। कप्तान एनके पटेल काफी खुश अपने बल्लेबाजों के प्रदर्शन से। रोलिंग टीम पिच रोलिंग मटा ली जाए। रोलिंग के लिए जो लोग हैं वो पिच रोलिंग के लिए आ जाए।
करते हुए 163 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए, मुना कोरी को जीतने के लिए 164 रन बनाने होंगे।
और क्या तो खेला और एक रन भी पूरा किया वहां पर आरपी चौधरी ने है। इस एक रन के साथ डब्ल्यूडीपीएस का खाता खोलता हुआ और आरपी चौधरी का भी अब स्ट्राइक पर आए हैं काफी धुआंधार बल्लेबाज डबल उपाध्याय काफी अनुभवी प्लेयर्स और पहले उकाई की ओर से ही खेलते थे इसलिए जानते हैं इन सभी प्लेयर्स को। ओवर मानो मतलब कई देश पति इस बार खेल दिया वहां पर विकेट की दिशा में चार रन तरारस चौका धवल के बल्ले से आता हुआ पहली बाउंड्री धवल के बल्ले से कोई मौका नहीं वहां पर फील्डर के पास गोली की तरह निकली हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई चार रन। काफी बाहर जाते हुए गेंद अंपायर का इशारा वाइड अपनी दिशा से भटकते हुए वहां पर प्रीतेश एक बाउंड्री के लगने के बाद इसी के साथ ओवर की समाप्ति एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचाया 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर डब्ल्यूटीपीएस। उकाई की ओर से गेंदबाजी के लिए है दीपेश पटेल स्ट्राइक पर आरपी ¿Qué es lo que está?
कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, वन बाउंस, चार रन, बढ़िया फ्लिक फायर। आरपी चौधरी अपने अंदाज में खेलते हुए, खराब गेंद और गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर, चार रन के लिए। और कोई मौका नहीं वहां पर फील्डर के पास, गेंद में चार रन लगातार, दूसरी बाउंड्री यहां पर आरपी चौधरी के बल्ले से आती हुई। आरपी चौधरी जो कि खराब गेंद को छोड़ते नहीं, चलो क्या है देख सकते हो, आज मिल नहीं नो बोल रहा है, तुम्हें नो बोल रहा है, हम गए नो आपको मौजूद, कोई रन नहीं। दिवेश वापसी करते हुए
उठा के खेल दिया है गेंद सीमा रेखा के पास, देखना होगा अंपायर का इशारा, चार रन। पावर प्ले का फायदा उठाते हैं वहां पर आरती चौधरी। हल्के हाथों से कट किया वहां पर, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन भी और कीपर भी। जितने भी चौके लगाएंगे हर चौके के लिए 51 रुपए का इनाम आरजी पटेल सर की ओर से दिया जाएगा। हल्के हाथों से खेला हुआ वहां पर एक रन के लिए। सम्मान देते हैं वहां पर राकेश चौधरी। पहली में थोड़ी सी तब्दीली, परिमल पटेल को बाउंड पे भेजा गया है। लेकिन चौका तो यहाँ बढ़िया फील्डिंग वहां पर हरदेव के द्वारा, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए चार रन बचाए उन्होंने। ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 23 रन एक बिना किसी विकेट के नुकसान पर WTPS। वॉल्यूम
दीपेश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आया है स्ट्राइक पर दबल पा दिया है। बढ़िया सम्मान देते हैं और समझदारी के साथ बैटिंग करते वहां पर आरपी चौधरी अच्छी गेंद को सम्मान देते हैं और जब भी मौका मिलता है वो खराब गेंद को बाउंड्री में तब्दील करने में कामयाब रहे अभी तक। शॉर्ट पिच गेंद कट कर दिया वहां पर फील्डर बद्रेश अच्छी फील्डिंग एक रन। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर गुणांक कोर डीपीएस। नितेश पटेल गेंदबाजी करेंगे आरपी चौधरी को। शॉर्ट पिच गेंद और कट कर दिया लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में गेंद कोई मौका नहीं वहां पर रन लेने का।
इस परफेक्ट कर दिया और गेंदी मारने की ओर जाती हुई रोकने में कामयाब अच्छी फील्डिंग वहां पर गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के पार चार रन के हल क्या तो सकेगा मैं किया वहां पर धवन ने कोई जोखिम नहीं लेना चाहते इस तरह के रन का इस बार स्ट्रेट कोई मौका नहीं वहां पर किसी फील्डर के पास सिर्फ गेंद को देखने के अलावा लगातार दूसरी बाउंड्री यहां पर आरपी चौधरी के बल्ले के द्वारा काफी फॉर्म में है आरपी चौधरी जितने आराम से खेल रहे लगता ही नहीं है कि कोई मुश्किल पड़ रही है यहां पर गेंद बल्लेबाज को प्रीतेश जो कि सबसे अनुभवी और मेन बॉलर माने जाते हैं OKTPS के इस बार बल्ले का अंदरू किनारा और गेंद फाइनल की दिशा में जाती हुई एक रन के लिए ओवर की समाप्ति पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 46 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर WTPS पावर प्ले का आखिरी ओवर किंदर ओवर है ये तो बोल दियो पीएस के ओवर थे बोलो पूरे ऊपर से मारो पांच ओवर तुमने खबर पड़े अरे मारा खोरखड़ा रखो तुम ए तो बॉल मार नहीं अब गेंदबाजी के लिए आए खुद कप्तान एन के पटेल अपनी इंजरी से रिकवर हो चुके हैं पूरी तरह से ये जो गैप मिला इस मुकाबले का
सामना करेंगे राकेश चौधरी। हवा में गेंद लेकिन वहां पर फील्डर से काफी दूर, एक रन। वहां पर अपील नकार दिया अंपायर ने, लेग बाय का इशारा। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 53 रन, 3 विकेट के नुकसान, बिना किसी विकेट के नुकसान पर WDPS। अच्छी गेंदबाजी उपाय के द्वारा, केवल 3 ही एक्स्ट्रा रन दिए हैं। अब गेंदबाजी करने के लिए है एडी। आरपी चौधरी काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों में 40 रन बनाकर खेल रहे हैं। गेंद और खेल दिया कवर की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। वहां पर फील्डर जब तक फील्ड करते, एक रन पूरा किया वहां पर बैट्समैन ने।
हल्के हाथों से खेला हुआ एक रन के लिए स्ट्राइक रोटेट करते हुए यहां पर दोनों ही बल्लेबाज दो रन वहां पर चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। खेला है एक रन के लिए अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बैट्समैन। जानते हैं कि हर गेंद पे रन बनाने होंगे। बात खेल दिया मिड विकेट की दिशा में वहां पर फिर स्पिनिंग और चार रन वहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है वन स्कोर पहुंचा 63 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। WDPS अब WDPS को जीतने के लिए 101 रन बनाने हैं 78 गेंदों में। गेंदों में 101 रन चाहिए WDPS को जीतने के लिए। आरपी चौधरी और दौल उपाध्याय जितने भी बाउंड्रीज लगाएंगे उन हर बाउंड्रीज पे 51 रुपए का इनाम घोषित किया है आदि पटेल सर ने। और हर सिक्स पे 101 रुपए और एमआर पटेल सर की ओर से 201 रुपए हर सिक्स पर। हाथों से कट कर दिया वहां पर एक रन के लिए और थोड़ी सी और थ्रो लेकिन मना कर दिया वहां पर और उपाध्याय ने। थोड़ी सी नीची रह गई गेंद गेंद खेल दिया वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक रन के लिए। बहुत बड़ा फ्लेवर है मसाला बहुत बड़ा है।
नेक्स्ट करते पार जाते हुए गेंद, देखना होगा अंपायर का इशारा। वाइड बाहर क्या कर सकते है गोमन की दिशा में। टाइम लोकेट करते हुए यहाँ पर दोनों ही बैट्समैन इस बार खेल दिया हवा में गेंद, देखना होगा और ड्रॉ। राकेश चौधरी को एक जोरदार पड़ता हुआ यहाँ पर, काफी महंगा पड़ सकता है ये कैच। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 68 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर WTPS। राकेश चौधरी को ये एक और मौका मिलता हुआ यहाँ पर। पर स्कोर पहुंचा 68 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर WTPS। आरपी चौधरी नाबाद 48 रन पर खेलते हुए। मेहनत करनी होगी वहां पर राकेश को आउट करने के लिए। एक मौका मिला था जो गवा दिया। अच्छी गेंदबाजी एडी के द्वारा। इस बार गवा की दिशा में खेल दिया है वहां पर फील्डर भद्रेश मौजूद एक रन के लिए। स्ट्रेट की दिशा में खेल दिया वहां पर फील्डर हरदेव गेंद के पीछे एक रन दौर उपाध्याय को। आरपी चौधरी अपनी 50 रन से केवल एक रन दूर। एक रन के साथ आरपी चौधरी के 50 रन पूरे। Thank you.
पर ये वहां पर कोई फील्डर नहीं किधर जब तक फ्री करें दो रन पूरे किए वहां पर धवल उपाध्याय ने और की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 73 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर WDPS काफी अच्छी शुरुआत छियासठ गेंदों में 91 रन चाहिए जीतने के लिए WDPS को प्रति ओवर 8 रन की स्ट्राइक रेट से रन बनाने होंगे पीजी पटेल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए अच्छी गेंद पूरी तरह से बीट हुए वहां पर राकेश चौधरी यहाँ पर WDPS को हर ओवर में कम से कम 8 रन बनाने होंगे जीतने के लिए अच्छी गेंदबाजी पीजी के द्वारा बैट्समैन को पकड़ के रखा है ओवर की समाप्ति बढ़िया ओवर की ओर से केवल 2 रन आए इस ओवर से 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 75 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर WDPS जीतने के लिए 10 ओवर में 89 रन चाहिए करीबन 9 की रन रेट से रन बनाने होंगे जीतने के लिए WDPS को Yo le robo. Bueno, ya que
केन पटेल अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आए, स्ट्राइक पर दौड़ उपाध्याय, थोड़ा बोरी को जीतने के लिए 89 रन की जरूरत, 60 गेंदों में प्रति ओवर 9 रन चाहिए जीतने के लिए। एक बाउंड्री वागे ना जो एक ओवर में एक बाउंड्री वागे हो जाए छे बाउंड्री एक ओवर में ना ना विकेट नहीं पड़ी टारगेट तो है छे हो यार अंपायर ने मना कर दिया, वहां पर थोड़े से नाखुश वहां पर एडी पटेल। कप्तान समझाते हुए वहां पर गेंदबाजी एडी पटेल के द्वारा आपने
ओ जेमी, ओ कमलेश भाई। अच्छी गेंदबाजी दोनों स्पिनर के द्वारा, एक छोर से पीजी और दूसरे छोर से एडी। दिया वहां पर देखना होगा, सीमा रेखा के पास जाती हुई गेंद, जिस बाउंड्री की तलाश थी यहां पर आशीष चौधरी के पल्ले से निकलती हुई, छह रन अपने अकाउंट में पैसा जमा होता हुआ यहां पर आरपी चौधरी के अकाउंट में, 101 रुपए और 201 रुपए छह रन के साथ। हर ओवर में 9 से ज्यादा रन बनाने हैं यहाँ पर WTPS को अगर ये मैच जीतना है तो। इस बार खेल दिया लेकिन वहां पर हरदेव फील्डर मौजूद, एक रन, इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 90 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर WTPS। एडी अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर आए, स्ट्राइक पर आरपी चौधरी, 74 रन चाहिए जीतने के लिए WTPS को 48 गेंदों में। हवा में गेंद काफी अच्छी कोशिश की, लोगों ने लगा कामयाब 4 रन, अच्छा प्रयास वहां पर।
सफल रहे लेकिन इस बार कट कर दिया वहां पर चार रन कोई मौका नहीं फील्डर के पास तुम्हारा में लेट छे इस बार हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर एम के पटेल के पास से गुजरती हुई गेंद एक रन के लिए इस बार डबल उठा के खेल दिया वहां पर फील्डर मौजूद हर देव सीधा ये पहला विकेट गिरता हुआ यहां पर डब्ल्यूटीपीएस का धवल उपाध्याय के रूप में अल्केश को ये पहली सफलता मिलती हुई अपने कोटे का आखिरी ओवर नए बल्लेबाज आए हैं बैटिंग करने के लिए वीके विवेक पटेल कट कर दिया वहां पर एक रन पूरा किया और दो रन हो सकते थे शायद लेकिन मना किया वहां पर बीएम ने इस एक रन के साथ 100 रन पूरे हुए यहां पर डब्ल्यूटीपीएस के अब जीतने के लिए 64 रन चाहिए हवा में गेंद लेकिन वहां पर थोड़ी सी दूर रही बैट्समैन दो रन लेने में कामयाब ओवर की समाप्ति 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 102 रन एक विकेट के नुकसान पर डब्ल्यूडीपीएस 42 गेंदों में 62 रन चाहिए जीतने के लिए डब्ल्यूडीपीएस को प्रति ओवर 9 रन चाहिए यहां पर डब्ल्यूटीपीएस को जीतने के लिए यानी हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री लगनी चाहिए बोला
वहां पर हत्या तो से कट किया लेकिन फिलर मौजूद तरह से चूके और गेंद सीधा विकेट पर जाती हुई और एक और झटका लगता हुआ यहां पर WDPS को। VM पटेल पवेलियन वापस लौटते हुए बढ़िया फीलिंग वहां पर इनके पटेल रनआउट का खतरा हो सकता है। चुकू भाई क्यों एक ओवर में शौक पूरो कयो तो मालो हेलो ना ना बोल दे एक ओवर चलो छेली बे ओवर में ना थैंक यू सर थैंक यू सर सक्सेस एक ही भाई थी गेम हो गई बे तुम्हारे टीम में यार चार ओवर बाकी दादा कर समझ आ गई है ना हां अरे यूं जरूर चलो हां अरे इंग्लिश में ना करता हूं इंग्लिश में हां तो हिंदी में करे छे नहीं नहीं फोटो नो लागो जे कोई ने आपरे तो सक रेवानो ई मेन राखो Right come over the wicket, there is all. बहुत अच्छी अपील लेकिन अंपायर ने मना कर दिया इसके साथ 104.2 DPS फॉर दोज हु वर लेट जो लोग ज्वाइन हुए बाद में उनके लिए वड़ाकपुरी और उकाई के बीच मैच चल रही है फाइनल ग्रैंड फिनाले लेफ्ट आर्म राउंड दी विकेट एटमोस्फियर है यहाँ पर बहुत सारे 25,000 ऑडियंस की हाजिरी में मैच खेली जा रही है बच्चे बूढ़े सब यहाँ पर हाजिर है और ये इलेक्ट्रिक एटमोस्फियर यहाँ पर मौजूद कोई डिस्कशन चलता हुआ प्लेयर्स के बीच में फील्डिंग साइड और बैटिंग साइड स्ट्रेटजी बन रही है किस तरह से टारगेट तक पहुंचा जाए स्ट्रेटजी बन रही है किस तरह से उसको रोका जाए एक बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट यहां पर चल रही है उकाई डीपीएस और वड़ापुरी के बीच में एक लीग मैच हो की